नमस्कार दोस्तों, मृदुप चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से रेगुलर पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो इन पदों के लिए कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, आप लोगों का चयन किस प्रकार से किया जाएगा, पूरी डिटेल से मैं आप लोगों को इस वीडियो में इसी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए। ये बातें मैं आप लोगों को इस वजह से बोल रहा हूँ ताकि कोई भी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोगों से ना छूटे, आवेदन करते समय आप लोगों को कोई परेशानी ना हो, आप लोगों का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो। विज्ञापन जारी किया है प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय दुर्ग छत्तीसगढ़ के द्वारा, जिसके अंतर्गत 200 रेगुलर पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 15 जुलाई 2022 शाम 5 बजे तक आप लोग ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हो। इसी के नीचे आप लोग यहां पद का नाम देख सकते हो, कौन कौन सा पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। स्टेनोग्राफर हिंदी के 3 पद पर भर्ती किया जाएगा, सहायक ग्रेड 3, साक्ष्य लेखक, आदेशिका लेखक, सेल आमीन के टोटल 11 पद पर भर्ती किया जाएगा। और आप लोग यहां पर वर्गवार आरक्षित पदों की संख्या देख सकते हो, किस वर्ग के लिए कितने पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। भर्ती की पात्रता एवं शर्तें क्या होना चाहिए, यहाँ पर डिटेल से विस्तार पूर्वक बताया गया है। स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए जो प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा 28,700 रुपये से लेकर 91,300 रुपये तक प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45% अंक और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40% अंकों के साथ स्नातक ग्रेजुएट पास होना चाहिए। इसी के साथ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन परीक्षा का प्रमाण पत्र होना चाहिए और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से PGDCA कोर्स किया हुआ होना चाहिए। सहायक ग्रेड 3 को प्रतिमा वेतन दिया जाएगा 19,500 रुपये से लेकर 62,000 रुपये तक। शैक्षणिक योग्यता इसके लिए होना चाहिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45% अंक और आरक्षित वर्ग के लिए 40% अंकों के साथ स्नातक पास होना चाहिए। इसी के साथ छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन का प्रमाण पत्र होना चाहिए और किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए। इन पदों के लिए जो भी इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए 18 वर्ष और अधिकतम आयु होना चाहिए 30 वर्ष। जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, उन्हें आयु सीमा में छूट दिया जाएगा। और दोस्तों, मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, जो आप लोगों को वेतन दिया जाएगा, आप लोगों का चयन किया जाएगा, वो सबसे पहले 3 वर्ष के लिए परीक्षा अवधि के लिए चयन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत जो आप लोगों को वेतन दिया जाएगा न्यूनतम वेतन का 70% दिया जाएगा प्रथम वर्ष में, द्वितीय वर्ष में 80% और तृतीय वर्ष में 90%। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को रेगुलर कर दिया जाएगा, इस प्रकार से आप लोगों को प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक निवास प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है तो आप लोग बनवा लें। जब भी आप लोग आवेदन करोगे तो आवेदन पत्र के साथ आप लोगों को निवास प्रमाण पत्र अटैच करना होगा, संलग्न करना होगा। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि किस प्रकार से आप लोग निवास प्रमाण पत्र बनवाएं तो उसके बारे में मैंने संपूर्ण जानकारी दे दिया है। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां पर जाकर डिटेल से देख सकते हो कि किस प्रकार से आप लोग निवास प्रमाण पत्र बनवा सकते हो। और दोस्तों, आप लोगों को आवेदन पत्र के साथ समस्त दस्तावेज डॉक्यूमेंट को अटैच करके संलग्न करके 15 जुलाई 2022 प्रातः 11 बजे से लेकर 5 बजे तक प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय दुर्ग के कार्यालय के कक्ष क्रमांक 201 प्रथम मंजिल में रखे गए ड्राफ्ट बॉक्स में डालकर आप लोग आवेदन प्रस्तुत कर सकते हो। तो दोस्तों, फाइनली आप लोगों को मुख्यालय में जाकर आवेदन पत्र को जमा करना होगा, आप लोग अन्य माध्यम से आवेदन नहीं कर सकते हो। और दोस्तों, आप लोग यहाँ नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए प्रथम चरण में लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसी प्रकार सहायक ग्रेड 3 के लिए भी लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और द्वितीय चरण में कौशल परीक्षा लिया जाएगा। यहाँ पर डिटेल से बताया गया है, आप लोग वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। और इसी विज्ञापन के नीचे जो आवेदन पत्र का प्रारूप है वो संलग्न है, अटैच है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। दोस्तों, इसे अच्छे से पढ़ने के बाद ही आप लोग इन पदों के लिए आवेदन करें।
तो दोस्तों अगर आप लोगों को इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन का लिंक दे दूंगा। आप लोग वहां पर जाके डाउनलोड करके और अच्छे से पढ़ सकते हो। और इस विज्ञापन से संबंधित अगर आप लोगों के पास कोई भी सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।